अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो। चरक संहिता सूत्र स्थानम। गुरु हैं अत्रेय, उनके शिष्य से अग्निवेश, तो अग्निवेश अपने गुरु से प्रश्न करते हैं कि ये मनुष्य के सिर में कितने रोग होते हैं, हृदय में कितने रोग होते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सिर के रोगों का वर्णन करूंगा। सिर में वात, पित्त, कफ, संनिपात और कृमि अर्थात कीड़े से उत्पन्न होने से 5 रोग होते हैं। मल मूत्र के वेगों को रोकने से, दिन में सोने से, रात्रि में जागने से, नशीले वस्तुओं के सेवन से, उच्च स्वर में बहुत जोर से बोलने से, ओस लगने से, पूर्वी हवा में बैठने से, अधिक मैथुन करने से, मन के विपरीत गंधों के सेवन से, गंध सुगंध अर्थात धूली, धुआं, शीत, धूप के सेवन करने से, अधिक सेवन करने से, भारी एसिडिक और तेज मसाले के सेवन से, अत्यधिक ठंडा जल पीने से या उसमें स्नान करने से, सिर पर चोट लगने से, जॉइंटों में अधिक दोष आने से, ज्यादा रोने से, आंसू के वेग को रोकने से, आकाश में अधिक बादल आने से, मानसिक कष्ट होने से, उस देश या परिस्थिति में उसमें कोई विपरीतता चल रही है, वात अर्थात नर्वस सिस्टम अधिक तकलीफ वाला हो गया है, बढ़ गया है, ये सब सिर में जाके ब्लड को दूषित कर देते हैं और फलस्वरूप सिर में अनेक प्रकार के लक्षणों से युक्त रोग उत्पन्न होते हैं। भाई राजीव दीक्षित जी के स्वप्न स्वस्थ, समृद्ध, स्वदेशी, स्वावलंबी, स्वाभिमानी परिवार, समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में एक पहल। आप सब भी अपने अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को अवश्य सुने एवं प्रचार प्रसार करें। स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे सफल एवं सरल घरेलू उपचार, परिणाम और अनुभव प्राप्त कर आप अपना विश्वास तथा ज्ञान बढ़ा सकें। अन्य आवश्यक जानकारियों हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य पढ़ें। साथ ही किसी भी घरेलू चिकित्सकीय परामर्श हेतु भाई राजीव दीक्षित जी के एकलव्य रूपी शिष्य भाई गोविंद शरण प्रसाद जी, बहन मोनिका साहू, बहन ज्योति गुप्ता, होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर वेद प्रकाश जी से व्यक्तिगत व्हाट्सएप संदेश पर संपर्क कर सकते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।